अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार का आजकल मंथन कर रही है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव अपने खास सिपहला सालों के साथ लगातार मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ खास सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने आगामी दिनों के लिए अपनी रणनीति बनाकर तैयार कर ली है। अखिलेश यादव लगातार कमजोर हो रही समाजवादी पार्टी में पहले की तरह अब जान फूंकने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब सामाजिक न्याय की लड़ाई और अधिक मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और अन्य सपा नेताओं के साथ कई अहम बैठकें की हैं। खास सूत्रों की माने तो इन बैठकों में सपा की सभी कार्यकारिणियों में बदलाव करने की राय रखी गई है। साथ ही सपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर धर्मेंद्र यादव का नाम भी सुझाया गया है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव कई सालों से प्रदेश में पार्टी की लड़ाई को मजबूती से लड़ते आ रहे हैं। साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव सपा कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी जुड़ाव रखते हैं। विगत लोकसभा चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव को सपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी उठी थी। आम आदमी, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों के हित को देखते हुए भी धर्मेंद्र यादव को सपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग लगातार की जा रही थी और अब ऐसा लगता है कि ये मांग पूरी होने वाली है। अब अगर धर्मेंद्र यादव सपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा, वो भी बहुत दिलचस्प है। धर्मेंद्र यादव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो जमीनी से जुड़े नेता हैं और कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ अच्छी है, और फिलहाल अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं पर पकड़ कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान धर्मेंद्र यादव को दी जाती है तो धर्मेंद्र यादव कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कामयाब होंगे और ये उनकी प्रमुखता होगी कि वो कार्यकर्ताओं को एक साथ लाएं ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती दी जा सके। धर्मेंद्र यादव प्रदेश के नए अध्यक्ष अगर समाजवादी पार्टी के बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जो जिला स्तर पर पार्टी के अध्यक्ष हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर जिला अध्यक्ष कुछ खास सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव भी अपनी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में धर्मेंद्र यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिला अध्यक्षों को भी हटाया जा सकता है और कई जिलों की कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन होगा जिसमें नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा अक्सर कर आपने सुना होगा कि मुलायम सिंह यादव जब भी सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं तो अखिलेश यादव को एक नसीहत देते हैं कि चमचों से दूर रहो, चापलूसों से दूर रहो। शिवपाल सिंह यादव ने भी जब पार्टी को छोड़ा था तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया था कि अखिलेश यादव चापलूसों से घिर गए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र यादव अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हैं तो प्रदेश के उन नेताओं पर गाज गिर सकती है जो नेता चापलूसी में लिप्त हैं और अखिलेश यादव के आसपास सक्रिय रहते हैं, जिनके चलते कई बार अखिलेश यादव को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो धर्मेंद्र यादव अगर प्रदेश में कमान संभालते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि उन चापलूस नेताओं पर कमान कसी जाए, उन पर कार्रवाई की जाए जो पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते लेकिन चापलूसी के जरिए अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव भी 2012 वाले अखिलेश बनने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सड़क पर उतरकर पार्टी को मजबूती दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर धर्मेंद्र यादव नियुक्त होते हैं तो बूथ स्तर पर वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में समाजवादी पार्टी का वोटर खिसक कर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर धर्मेंद्र यादव कमान संभालते हैं तो उनकी प्राथमिकता होगी कि वो ग्रामीण स्तर पर बूथ लेवल पर अपने पन्ना प्रमुख नियुक्त करें और इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मंथन करें और पार्टी को मजबूती देने की कोशिश करें। 2022 का चुनाव आने वाला है और उपचुनाव की घंटी बज रही है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में धर्मेंद्र यादव के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि पार्टी को एकजुट किया जाए। जो नेता बिखर रहे हैं क्योंकि लंबे अरसे से पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है तो धर्मेंद्र यादव की प्रमुखता रहेगी। प्रमुखता से उनका काम रहेगा कि जो नेता कमजोर दिख रहे हैं और जो नेता पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं उनको एकजुट किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, जो
भी मतभेद हैं उनको दूर किया जाए और पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए और उपचुनाव में कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जाए जिससे कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को एक संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी ने भले ही लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक प्रदर्शन न कर पाया हो लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी है। तो ये वो बदलाव हैं जो धर्मेंद्र यादव के कमान संभालने के बाद हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अगर धर्मेंद्र यादव को कमान मिलती है तो वो कितनी सक्रियता के साथ पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे।